शनिवार के दिन टूटी हुई डस्टबिन को छूकर बोल दें ये शब्द, दुख दरिद्रता मिट जाएगी, लाखों मांगोगे करोड़ों रुपए आपके पास आएंगे, प्लस नेगेटिव एनर्जी छू मंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें टूटी फूटी चीज़ों में ही बसती हैं, इनको निकालना ज़रूरी होता है। और डस्टबिन तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ रहता है, भले ही आप इसको कितना भी साफ़ करो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी हमेशा डस्टबिन में विद्यमान रहती है। इस विशेष रूप से टॉयलेट का डस्टबिन है तो आपको ज़्यादा लाभ देगा टूटा फूटा, या टॉयलेट का डस्टबिन साबुत भी है तो ये प्रयोग कर सकते हो। लेकिन टूटी फूटी चीज़ें किसी भी रूप में आपके घर में हैं तो ये मान के चलना नेगेटिव एनर्जी आपके घर में विद्यमान होती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ गायब होती रहेंगी, और हम ये कभी नहीं चाहते। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाभान्वित होते रहें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रगति करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मित्रों, ये तो मैं भूमिका में आपको बता ही चुकी हूँ कि टूटी फूटी चीज़ें किसी भी रूप में आपके घर की बरकत नहीं देती हैं। भले ही टूटे कप में आपने मनी प्लांट लगा रखा हो, टूटी केटली में आपने मनी प्लांट लगा रखा हो, या दरार भी उस चीज़ में आई है उसको भी आपको इमीडिएट थ्रो आउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी बरकत नहीं देती हैं। ये चीज़ें जीवन में विफलता देती हैं और आपका बुरा करने का दुस्साहस कर देती हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए बार बार कह रहे हैं टूटी फूटी चीज़ों को इमीडिएट निकाल के फेंकिए। ये प्रयोग शनिवार को करना है और शनिवार का दिन नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए बेस्ट माना जाता है। शनिवार का दिन अगर आप साफ सफाई करते हैं तो आपके घर में खुशियां आती हैं। दिवाली की तरह सफाई अमावस्या पे करें या शनिवार को करें, आपको लाभ होता रहेगा, आपके जीवन की गरीबी समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने लगेगा। जितना मांगोगे उससे अधिक की प्राप्ति आपको होती है। तो शनिवार के दिन आपको डस्टबिन या कोई भी टूटी फूटी चीज़ें लें, लेकिन टॉयलेट का डस्टबिन है तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो टॉयलेट का डस्टबिन वैसे भी नेगेटिव चीज़ों का भरा हुआ होता है, अगर टूटा फूटा नहीं है फिर भी आप इसको शनिवार के दिन थ्रो कर दीजिए, इससे भी आपको लाखों मांगते हो करोड़ों आपके जीवन में आते हैं। और क्या शब्द बोलने हैं ये मायने रखता है, जो हमने आपको थंबनेल में दिया है कि कुछ शब्द बोलने हैं। आपको ये शब्द बोलने हैं, हे डस्टबिन, तुम नेगेटिव चीज़ों से भरे हुए हो तो मैं आपको शनिवार को थ्रो करने वाली हूँ। आप मेरे घर में तमाम नेगेटिविटी को दूर करो और खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे घर में आए, बरकत ही बरकत मेरे घर में आए, पैसा ही पैसा मेरे घर में आए। ये शब्द डस्टबिन को बोलकर आपको थ्रो आउट कर देना है। डस्टबिन में कचरा भरा हुआ होना आवश्यक है, तब उसको फेंकिए और नया डस्टबिन उससे पहले लाके अपने घर में रख दीजिए। ये शर्त है, क्योंकि नया डस्टबिन आप पहले लाके रख लेंगे, यानी शुक्रवार को रख देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आज ही ले आइए। अगर नया डस्टबिन आप आज लाके घर में रखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, या किसी भी शुक्रवार को आप नया डस्टबिन लाके रख दीजिए। वो काले रंग का ना हो, काले रंग का डस्टबिन आपको यूज़ में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काले रंग शनि को रिप्रेजेंट करता है और काला रंग काल पुरुष का दुख माना गया है। काले रंग के वस्त्र पहनने की बड़े बूढ़े इसीलिए मना ही करते हैं, बड़े बूढ़े काले रंग के कपड़े नहीं पहनने देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन आज की जनरेशन काला रंग ही विशेष पसंद करती है। खैर कोई बात नहीं, जब जिसको पसंद है वो पहने, लेकिन हम मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात कर रहे हैं कि पुराने लोग काला रंग नहीं पहनने देते थे। काले रंग में नेगेटिविटी का वास होता है, सोच को गंदा करती है और सोच को परिष्कृत करना अनिवार्य होता है। तो आप शनिवार के दिन डस्टबिन फेंक दीजिए, या कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें भी डाल सकते हैं, आपको फ़ायदा होने लगेगा, लाखों मांगोगे करोड़ों आपके जीवन में आने लगेंगे। थैंक यू सो मच।